कुदरत में कोहरा मचाया हुआ है, जिसकी तस्वीरें अब केरल से सामने आई हैं। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड में भारी तबाही हुई है। मेवड्डी के पहाड़ी इलाके में भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड के चलते 5 लोगों की जान चली गई, कई कारें जो है वो मलबे में दब गई, कई जगह कई घर जो है वहां पर वो तबाह हो गए। रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं उनके मुताबिक लैंडस्लाइड के चलते 100 लोग फंसे हुए हैं, जबकि मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी आशंका है। कई जगहों पर सड़क और पुल टूटने की भी खबरें आई हैं। अभी फिलहाल बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए मिट्टी को हटाने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन तस्वीरों में रेस्क्यू टीम्स कैसे लगातार वहां पर काम करने में लगी हुई है। NDRF की टीम रात बचाव में जुटी है, वायुसेना को भी रेस्क्यू के लिए बुलाया गया है। केरल के वायनाड से तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने, टीम्स लगातार काम कर रही हैं, लगातार यहाँ पर जो NDRF की टीम्स हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। कई लोगों को बचा लिया गया, लेकिन अभी आशंका ये जताई जा रही है कि मलबे के अंदर 100 लोग फंसे हो सकते हैं। लगातार दक्षिण के राज्यों में कुदरत का कोहराम जारी है और ये तस्वीरें केरल के वायनाड से, लैंडस्लाइड वहां पर हुआ जिससे भारी तबाही मच गई है। मेवड़ी के पहाड़ी इलाके में भूस्खलन हो गया, दो तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं, और इस लैंडस्लाइड के चलते 5 लोगों की जान चली गई है। बताया गया है कि कई वाहन ऐसे हैं जो मलबे में दबे हुए हैं, और ये लैंडस्लाइड इतनी खतरनाक थी कि कई घरों को भी चपेट में ले लिया, कई घर तबाह हो गए। ये देखिए गाड़ियां कैसे वहां पर फंसी हुई हैं, इतना ज़्यादा भयावह मंजर था। लैंडस्लाइड के चलते 100 लोग फंसे हुए हैं अभी फिलहाल मलबे में, कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। कई जगह ऐसी हैं इस लैंडस्लाइड के बाद जहाँ पर सड़कें टूट गई, पुल टूट गए। अभी फिलहाल कोशिशें ये की जा रही हैं कि जल्द से जल्द लैंडस्लाइड के बाद जो मिट्टी वहां पर आ गई है उसको हटाया जाए, उसका काम तेजी से किया जा रहा है। इन तस्वीरों में यहां पर आप देख सकते हैं राजस्थान और भारत पर ये तस्वीरें, NDRF की टीम किस तरह से राहत बचाव कार्य में अभी फिलहाल जुटी हुई है। लगातार बारिश भी हो रही है जिसने परेशानी को और ज़्यादा लगातार बढ़ाया हुआ है। पहले तो लैंडस्लाइड हुआ है, लोगों के फंसे होने की खबर, घर वहाँ पर बह गए, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, 5 लोगों की जान चली जाती है, और लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन उसके बाद चलाया जा रहा है। वायुसेना को भी यहाँ पर मदद के लिए बुलाया गया है क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं।